हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीमा ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 11 और नाश्ता वास्ता झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है और मैं अपना ब्लॉगिंग अभी सुबह 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले तो दोस्तों आपको रोज़ की तरह पहले बाहर का मौसम दिखाऊंगी और उसके बाद आगे जो भी होगा आपको दिखाते रहूँगी। तो पहले देखिए बाहर का मौसम और देखो इसको रोज की तरह हमारे छत में बैठा है और मौसम और दिन की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है। आज धूप हल्की हल्की धूप है बट दिख नहीं रहा है, लेकिन धूप है और मौसम और दिन की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक लग रहा है आज। और शाम तक क्या पता बारिश हो भी सकती है, बट अभी तो मौसम सही है और पंचाचूल के दर्शन नहीं है। और इधर खलिया में भी हल्का हल्का कोहरे दिख रहे हैं, लेकिन मौसम ठीक है आज और दिन की अपेक्षा ठीक लग रहा है। हल्की हल्की धूप की जो ताप होती है वो आ ही रही है। और मैंने इतने सारे कपड़े धोए आज, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारे कपड़े धोए और उधर से लेके इधर तक इतने सारे कपड़े धोए हैं और मैंने छत में सूखने को डाल दिए हैं। सब्जी काट रही है तो आज मिक्सर सब्जी बनने वाली है, तो मम्मी अपने काम पे लग चुकी है। गाइस अब आपको अंदर ले चलते हैं और आज मैंने 2-3 गमले अंदर रख दिए हैं फूल के। ये भी हमारे फूल के ही गमले हैं जो हमने मेज में रख दिए हैं और एक दो मैंने और यहाँ अंदर कमरे में रखे हैं। तो ये है वो एक ये रखे मैंने अंदर और एक ये मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने आज गमले 2-3 अंदर रख दिए हैं। गाइस अभी मुझे जाना है बुआ के घर गाय का गौंत लेने के लिए, गौमूत्र लेने के लिए, तो मैं जाती हूँ अभी बुआ के घर। तो आ गए हम बुआ के घर और यहाँ पे गाय दिख रही है, इसी को ही गोते आएंगे हम, इसी से ही गोत लेंगे। मतलब भाभी जी आ गई है गोते आने, तो ये गाय के बच्चे से गोत लेंगे, इसी को गोते आएगी भाभी और इसी का गोत लेके जाऊंगी मैं घर। तो दोस्तों हमने गौत ले लिया है बुआ के घर से, अब चलते हैं घर। गौत लेके मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, अब रखते हैं इसको अंदर। तो आपको अपना खेत दिखाती हूँ आज हमने क्या क्या खेत में बोया है। वैसे मुझे डर लग रहा है, अभी मम्मी गई है तब जा रही हूँ मैं, क्योंकि जॉग से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो अभी मम्मी है खेत में तो फिर मैं जा रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ हमने क्या क्या बोए खेत में। तो चलो चलते हैं हम। ये देखो घास से बच के जाना हुआ, नहीं तो हमें जोंक लगने का भी खतरा हो सकता है। ये देखो यहाँ भी फूल ही बोए हैं मम्मी ने और ये देखो बंदर ने, अभी तक दिखाती हूँ आपको बंदर ने कैसे किया है। तो दोस्तों इसमें हमने बोए थे बीन्स यानी कि शॉट यानी कि राजमा बोए थे और बंदर इसमें सब चट कर गए और इसमें लगे जो डंडी थे वो भी गिरा दिया है। तो दोस्तों ये जो पौधा है ये है राम करेला, हमारे वहाँ करेल बोलते हैं और वैसे इसको मार्केट में राम करेला बोला जाता है। तो उसके पेड़ है जो, लेकिन अब इसमें करेला नहीं लगा, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूं। और दोस्तों इसको हम घी त्योहार के बाद खाते हैं और ये इसकी सब्जी हम जाड़ों में बचा के रखते हैं, क्योंकि जाड़ों में जब रोड बंद हो जाता है तो सब्जी वगैरह आने का साधन नहीं होता, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ के टाइम के लिए इसको हम धूप में सुखा के अच्छे से कराड़े बनाते हैं, तब जाके जाड़ों के मौसम में खाते हैं इसको। और ये है बीन्स स्वाट राजमा मतलब, और ये है बीन्स की खेती और इसमें सारे बीन्स लगेंगे बट अभी फूल ही फूल लगे हैं। और यहाँ पे सब बीन्स की खेती है। ये आपको नीचे दिखाते हैं क्या बोए हैं।
तो ये है मूली, और जो अभी इतने छोटे हैं, अभी ये बड़े नहीं हुए, तो ये मूली बोई है मम्मी ने, तो अब बड़े होंगे, अभी इसके छोटे छोटे पौधे आए हैं। तो ये मूली है, और ये जो है ये ककड़ी का पौधा है, अभी इसमें ककड़ी नहीं लगा है और अभी इसमें फूल ही फूल लगे हुए हैं, तो वो दिख रहा होगा आपको फूल, तो फूल ही फूल लगे हैं, अभी ककड़ी बिल्कुल भी नहीं लगी इसमें। और इसको भी लकड़ियों के सहारे से इसका पौधा फैलता है, तो इसमें लकड़ियों को लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे बोए हैं जो मैं आपको कल बता रही थी पापड़, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ इतने घास है, मुझे जोंक भी लग सकता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो ये पापड़ बोए हैं। तो दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है आपको ये एरिया, इसमें पहले हमने आलू बोए थे, तो आप खोद के निकाल के इसमें हमने मूली बो दिए हैं, आपको सब बीन्स की खेती देखने को मिलेगी आपको, और राम करेला देख सकते हो बंदरों ने कैसे, जो मम्मी ने लकड़ी फंसाई थी बीन्स के पौधे में, वो सारे नीचे गिरा दिए इस तरीके से। बंदरों का आतंक है यहाँ मुंशियार में, बहुत ही ज़्यादा बंदर आते हैं आजकल। तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं हमारा खेत, उधर से लेके इधर तक हमारा इतना ही छोटा खेत है हमारा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो ज़्यादा कुछ बोया भी नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी बोया है हमने। तो गाइज अब चलते हैं घर को अपने खेत से। गाइस अभी मैंने खाना वाना बना लिया है और अभी बजे हैं 1, और अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। हल्की हल्की धूप आ रही है, आसमान में अभी थोड़े हल्के हल्के करके बादल हट रहे हैं, लगता है धूप आएगी, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना। तो दोस्तों खाना बन चुका है और पापा भी दुकान से आ चुके हैं, और पापा बाहर पे मुर्गियों को चढ़ा रहे हैं, यानी कि मुर्गियों को खाना दे रहे हैं पापा बाहर पे। पापा वैसे मेरी वीडियो में आए नहीं, और आज तक आपने देखा भी नहीं होगा, वैसे जो यहाँ के उन्होंने तो देखा होगा, बट जो नए जुड़े होंगे मेरे चैनल में तो मैं उनको दिखाती हूँ। वैसे पापा वीडियो में आते नहीं, तो मैं चुपके से उनका वीडियो लूँगी और अपने ब्लॉग में डालूंगी। तो चलते हैं। तो ये है मेरे पापा, और हम बाबू बोलते हैं आपके वहाँ, आप क्या बोलते हो अपने पापा को कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों देखो आप, इन सारी मुर्गियों ने एक दूसरे को नोच नोच के अपने एक दूसरे के पंख सारे निकाल दिए, देखो वो भाई कितने खतरनाक हो गए मुर्गियाँ, देखो एक दूसरे को ही नोच नोच के खाने वाले हैं। और ये हमारी मुर्गियाँ हैं और ये अंडा भी देती हैं, तो हमने घर पे पाल रखा है मुर्गियाँ। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है, और अब करते हैं थोड़ी देर आराम और मिलते हैं आपको शाम को, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो आपको भी दिख रहा होगा मुंशियारी खिला खिला से, क्योंकि अभी आई है धूप, और अभी हो रहे हैं शाम के 3:30, और अभी इतनी अच्छी धूप आएगी, और मैं और मम्मी छत पे आए धूप देखने, क्योंकि मौसम 3-4 दिन से ख़राब था, तो ठंड भी लगी रही थी, तो हमने कहा धूप सेक लेते हैं, तो मम्मी और मैं अभी छत पे आए हैं धूप सेकने के लिए, और बहुत अच्छी सी धूप लगी है और कपड़े भी सूख जाएंगे आज हमारे, तो हम सेकते हैं फिर। तो देखो दोस्तों कितना चमक रहा है मुंशियारी, अभी धूप आने से बिल्कुल मस्त लग रहा है मुंशियारी, बिल्कुल चमक रहा है, और बहुत दिनों के बाद ऐसी धूप देखने को मिल रही है, क्योंकि हम तरस गए थे धूप देखने को, इतनी दिन से बारिश लगातार बारिश 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 इतनी हो रही थी कि हम धूप देखने के लिए तरस गए थे, और देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा मुंशियारी। और मम्मी यहाँ पे मेरे बाल बनाते हुए, हंस दो हंस मेरे ख्यालों में।
दाल बना लिया है मेरा, और यहाँ पे मम्मी बैठी है और देखो कैसे देख रही है ऐसे। तो यस्सू का स्वेटर भी बन के आ चुका है, हम कल तागा लेके आए थे और दीदी ने आज ही बना के दे दिया है, एक दिन में ही बना के दे दिया है। तो देखो स्पीड कितनी है दीदी के पास, तो दीदी ने बिल्कुल तैयार करके भेज दिया है स्कूल का स्वेटर, अब कल से यस्सू यही पहन के जाएगा। तो ये देखो दोस्तों बिल्कुल फिट आ रहा है यस्सू के, उसमें बिल्कुल दीदी ने कल लिया था तो आज ही बना के दे दिया है, तो बिल्कुल फिट आ रहा है। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो दीदी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को कॉन्टैक्ट करना, कमेंट कर देना और मैं दीदी को बोल दूंगी। और यहाँ पे यस्सू देखो खुश हो गया, यस्सू कैसा बना है? बहुत अच्छा। कांदा दीदी स्वेटर बना के है, थैंक यू। तो दोस्तों अंधेरा भी हो चुका है बाहर से, और इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय दीदी, तब तक के लिए बाय।